वेलकम बैक। तो आज हम लोग फिर से जावास्क्रिप्ट इंटरव्यू रिलेटेड क्वेश्चंस हम लोग देखेंगे। सो आज का क्वेश्चन रहेगा हमारा ऑब्जेक्ट प्रोटोटाइप से रिलेटेड। सो बेसिकली क्वेश्चन क्या होता है, जैसे हम लोग अगर ऑब्जर्व करेंगे जावास्क्रिप्ट में, आप जब जैसे भी आप ऑब्जेक्ट बनाते हैं तो आप देखेंगे हमेशा उसका एक प्रोटोटाइप रहता है, प्रोटोटाइप प्रॉपर्टी रहता है, ठीक है। तो बेसिकली क्वेश्चन क्या था कि सपोज कर लीजिए आपको एक ऑब्जेक्ट बनाना है विदाउट द प्रोटोटाइप, मतलब उसमें कोई प्रोटोटाइप नहीं होना चाहिए। अगर आप, मैं एक एग्जांपल दिखाता हूँ। सपोज कि मैं कोई एक ऑब्जेक्ट बनाता हूँ ओबीजे, ठीक है, इसको ऑब्जेक्ट बना रहा हूँ, ठीक है। अगर मैं इसको कंसोल करता हूँ लॉग ओबीजे, ठीक है, इसका आप आउटपुट देखिएगा, इसमें देखिए प्रोटो रहता है ऑब्जेक्ट का, ठीक है। तो अब मेरे को चाहिए कि ये प्रोटो नहीं चाहिए मेरे को, अच्छा ठीक है। तो इसके लिए अगर आप जावास्क्रिप्ट में देखेंगे, जावास्क्रिप्ट में ऑब्जेक्ट बनाने के बहुत अलग अलग तरीके हैं, बट ऑब्जेक्ट डॉट असाइन, ऑब्जेक्ट क्रिएट, न्यू, बहुत सारा तरीका है। पर जब आपसे कोई पूछे कि बिना प्रोटोटाइप बनाए ऑब्जेक्ट अगर आपको बनाना है तो उसके लिए आप यूज़ करेंगे, जैसे सपोज के लिए ओबीजे वन कोई ऑब्जेक्ट बना रहे हैं हम, ऑब्जेक्ट डॉट क्रिएट यूज़ करेंगे, ठीक है। अब बेसिकली आप यहाँ पे ध्यान देने का क्या बात है, यहाँ बोलता है कि ऑब्जेक्ट यूज एज अ प्रोटोटाइप, ठीक है, बोल रहा है कि आप किस ऑब्जेक्ट का प्रोटोटाइप से ये नया ऑब्जेक्ट बनेगा। सो बेसिकली अगर आप यहाँ पे नल देंगे, ठीक है, तो आपका जो नया ऑब्जेक्ट होगा उसका प्रोटोटाइप कुछ नहीं होगा। मैं दिखा देता हूँ, ओबीजे वन करेंगे अगर आप प्रिंट, अब मैं इसको दोनों को चेक कर रहा हूँ, इसमें आपको प्रोटो रहेगा, इसमें आपका नो प्रॉपर्टीज, आप देख पा रहे होंगे। अगर आप ध्यान देंगे, अगर जो ऑब्जेक्ट होता है उसका अगर प्रोटोटाइप में आप चेक करेंगे तो उसका नल होता है, ठीक है। तो वो अगर आपको देखना है तो आप ऐसे जाएंगे ऑब्जेक्ट डॉट प्रोटोटाइप में आप जाएंगे, उसके अंदर एक प्रॉपर्टी होता है अंडर अंडरस्कोर प्रोटो, ठीक है। तो अगर इसका रिजल्ट आप देखेंगे तो ये नल आएगा। हाँ, तो इससे पता चला कि ऑब्जेक्ट किससे बना है, नल से बना है, ठीक है। तो ये काइंड ऑफ था बेसिकली, अगर आप समझने के लिए, ठीक है, अगर आप देखना चाहते थे ऑब्जेक्ट का क्या होता है, ठीक है। आप ये सब इस चीज़ एक्सप्लोर करिएगा, कंसोल वंसोल देखिए, बहुत अच्छे अच्छे चीज़ सीखने को मिलता है, ठीक है। ठीक है, तो ये बेसिकली ये तरीका हुआ अगर आपको कोई ऑब्जेक्ट बनाना है जिसमें कोई प्रोटोटाइप ना रहे। ये काइंड ऑफ यही आंसर है, ठीक है। अगर आपको कोई डाउट है या आपको कुछ क्वेश्चन है तो पूछिए आप ज़रूर कमेंट्स में, ठीक है। वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिए, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग इट।